हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस। लास्ट वीडियो में भी हमने कैटलिस्ट के बारे में, कैटालिसिस के बारे में और कैटलिस्ट के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, और उसके दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, और उनके बीच में डिफरेंस को भी हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, यानी कि जो कैटलिस्ट है उसके क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हम इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे वो है द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अमाउंट एंड केमिकल कॉम्पोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जो भी कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। 2SO2+O2 हमने एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका, तो यहाँ पर हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है NO2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, फाइनली 2SO3। तो देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, देखिए यहाँ पर लिखा है अनचेंज्ड, अनचेंज्ड का मतलब है, और यहाँ देख रखा है आपने कि एंड ऑफ द रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट हमने इस रिएक्शन में यूज़ किया है वो कैटलिस्ट इस पूरी रिएक्शन को होने के बाद इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ये जितना हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो उतना ही रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि उतना का उतना ही हमें बाहर मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, जैसे ये जो हमने यहाँ पर कैटलिस्ट NO2 यूज़ किया है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिला 2SO3, इसके बाद जो NO2 है वो एज इट इज़ हमें यहाँ मिल जाएगा, यानी कि जो NO2 जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेगा, वो खुद उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। यहाँ तक ये बात आप समझ लीजिए कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन की सिर्फ स्पीड को चेंज करता है, उसकी स्पीड को इफेक्ट करता है, ना कि उसमें खुद कंज्यूम होता है। वो जितना यूज़ किया गया है उतना ही हमें कहाँ मिल जाएगा, प्रोडक्ट साइड में मिल जाएगा। ये होती है कैटलिस्ट की खास बात। कैटलिस्ट क्या करता है, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि उसको डिक्रीज भी कर सकता है और उसको इंक्रीज भी कर सकता है, लेकिन यूजुअली ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, ये रिएक्शन भी हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है, फर्स्ट जो इसका पॉइंट है कि जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी जो NO2 हमने यहाँ पर यूज़ किया है, या फिर कोई भी कैटलिस्ट आप किसी भी रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो कैटलिस्ट सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ उसकी स्पीड को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, सिर्फ स्पीड को इन्फ्लुएंस करेगा, खुद उसमें कंज्यूम नहीं होगा, उसमें खुद कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा रिएक्शन दिख रहा है, आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें ये जो NO2 है वो कंज्यूम हुआ है, इसमें कोई केमिकल चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ, आपको नहीं पता चल रहा है। देखिए फाइनली क्या होता है, मैं इसकी मैकेनिज्म बताती हूँ आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मैं इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे लिखूँ, मैकेनिज्म, देखिए इसकी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2SO2 है यहाँ पर, ये 2SO2 ये रिएक्ट करेगा इस 2NO2 के साथ, ठीक है, 2NO2 के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा 2SO3 और यहाँ आ जाएगा 2NO। देखिए फाइनली यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये 2SO2 2NO2 के साथ जब ये रिएक्ट किया तो इसने क्या किया, यहाँ पर ये 2SO2 है, इसने एक ऑक्सीजन इससे लिया और ये 2SO3 में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2NO, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसने दे दिया। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है वो इसमें क्या हो गया, वो इसमें चेंज हो गया, यानी कि उसने कुछ ना कुछ इसमें केमिकल चेंज हुआ है रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से एक ऑक्सीजन इसने ले ली है। लेकिन फाइनली क्या होगा कि ये जो इसने लिया है वो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें ये जो NO2 है वो कंज्यूम नहीं होगा। देखिए आगे क्या होगा, ये तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में ये 2SO2 रिएक्ट करेगा इस 2NO2 के साथ, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन लेगा ये और 2SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2NO यहाँ पर बच जाएगा। अब स्टेप 1 तक तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है कैटलिस्ट ने, यहाँ तक हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड डालना है आपको,
सेकेंड स्टेप में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो 2NO है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इसकी और इसकी रिएक्शन हुई है, जबकि इस रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन की रिएक्शन अभी नहीं हुई है। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये 2NO रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ये जो इसमें ऑक्सीजन है, आप देख सकते हैं रिएक्शन में ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर ये जो 2NO है, अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना करके देगा 2NO2 मिलेगा। देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 एंड 2 2 4 4 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ तक ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। आप चेक कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को जब प्लस किया जाएगा, जब इनको क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, तो जब इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2NO2 से 2NO2 और 2NO से 2NO कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमें लास्ट में क्या मिलेगा, 2SO2 प्लस O2 और उसके बाद हमें मिलेगा 2SO3 जो कि यहाँ पर है। अब आप देख सकते हैं कि जो फाइनल रिएक्शन मिली है वो ये वाली है, जो कि किसके सिमिलर है, इस रिएक्शन के सिमिलर है, यानी यही तो रिएक्शन है, इसी की तो मैकेनिज्म देखी थी हमने। तो फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिला है, आपने देखा ना उसमें कि ये जो NO2 है, जो हमें यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट दिख रहा है, वो उसने क्या किया है, उसने सिर्फ उसकी स्पीड में चेंजिंग करी है और उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, यानी उसके अलावा उसने वो खुद कंज्यूम नहीं हुआ है जितना यहाँ पर NO2 पहले उसने चेंज, मतलब पहले तो वो इनके साथ घुल मिला, पहले इनके साथ मिला और इनके साथ मिलने के बाद उसने जो अपना काम था, जो स्पीड बढ़ाने का या फिर घटाने का जो भी उसका काम था, उसने अपना काम पूरा किया और अपना काम पूरा होते ही वो भाग गया इनको छोड़ के, यानी इनको छोड़ के अपना काम उसने पूरा किया और यहाँ से चला गया। तो ये है इसकी फाइनल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो अनचेंज्ड होगा, यानी कि वो चेंज्ड नहीं होगा और उसका जो रिएक्शन, यानी जो एंड में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब एंड में प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो उसके बाद जितना कैटलिस्ट वहाँ पर यूज़ किया गया था उतना ही कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैटलिस्ट इज़ रीजनरेटेड, यानी कि जो कैटलिस्ट होता है वो रीजनरेट हो जाता है, जैसे आपने यहाँ मैकेनिज्म में देखा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, तो जैसे ये है ए, ये हमारे पास ए और ए से बना बी, अब इस बी से फिर से ए बन जाए, तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो जैसे ए से पहले बी बना, अब ये बी फिर से चेंज होके ए में कन्वर्ट हो जाए, तो ये वाली रिएक्शन क्या बोली जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये कैटलिस्ट, अब ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट को अफेक्ट करना, रेट को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि यूजुअली तो इंक्रीज ही करता है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करेगा। तो जब ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, तो बात यहाँ पर ये आती है कि ए से बी में, यानी कि एक रिएक्शन तो ये हुई ए से चेंज हो रहा है बी में, दूसरी रिएक्शन जब ये बी खुद से चेंज हो जाएगा, मतलब दोबारा से चेंज हो जाएगा ए में, तो एक रिएक्शन तो ये हो गई और दूसरी रिएक्शन ये हो गई, ए से बी में चेंज हुआ फिर बी से ए में चेंज हुआ, यानी रिएक्शन तो एक ही है लेकिन दोनों तरफ से, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो पहले ए से बी बना फिर बी दोबारा से चेंज होकर ए बना लेगा, तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे, तो कैटलिस्ट तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, पहले ए से बी में चेंज करवाएगा, तो पहले जब ए से बी में चेंज होगी रिएक्शन, तो जितनी स्पीड को ये कैटलिस्ट यहाँ पर इंक्रीज करेगा, जितनी स्पीड को कैटलिस्ट यहाँ पर इंक्रीज करेगा, उतनी ही स्पीड जब ये बी से ए में कन्वर्ट होगा, यानी कि जब ये बी से ए में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर उतनी ही स्पीड को इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो कैटलिस्ट है वो पक्षपात नहीं करेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में, वो क्या करेगा, वो दोनों ही साइड से, यानी बैकवर्ड ले या फिर
फॉरवर्ड ले, दोनों ही साइड से बराबर यानी कि सेम इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये चीज़ आपको कैसे नोट करनी है, मैं यहाँ पे नोट करा देती हूँ उसको रिलीज करके। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो कैटलिस्ट होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों तरफ की स्पीड को इंक्रीज करता है, वो भी सेम, बिल्कुल भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। जितना ए से बी में कन्वर्ट होने में स्पीड चेंज होगी उतना ही बी से ए में कन्वर्ट होने में स्पीड चेंज होगी। और स्पीड कौन चेंज करेगा, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट दोनों को ही बराबर देगा। ठीक है, तो आपको लिखना है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, या फिर ऐसे लिख लीजिए इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है दोनों की ही जो रेट है उसको इंक्रीज करेगा कैटलिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? और कैसे चेंज करेगा, बिल्कुल बराबर चेंज करेगा, ना ज़्यादा न कम, बिल्कुल बराबर चेंज करेगा, इक्वल। उसके बाद आपको यहाँ पर नोट करना है कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो कैटलिस्ट होता है कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, बट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। देखिए इसका मतलब क्या है, अभी समझाती हूँ आपको, आपको अभी टफ लग रहा होगा बट कोई नहीं, अभी हम समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, ऐसे तो बिल्कुल समझ से आने से रहा। देखिए कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये है आपका कॉलेज, ये क्या है आपका, ये है आपका कॉलेज और आपके पास है दो घर, फर्स्ट होम तो ये है फर्स्ट होम और आपका सेकंड होम ये है। ठीक है, आपका कॉलेज ये है, आपका फर्स्ट होम ये है, आपका सेकंड होम ये है। जब आप दोनों घर में रहते हैं, कभी किसी घर में चले जाते हैं कभी किसी घर में चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास दो घर हैं तो आप किसी भी घर में रह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अपने पहले वाले घर से जाएंगे, पैदल जाते हैं आप अपने कॉलेज पर, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दिख रहा है आपको, तो आप क्या करते हैं पैदल जाते हैं। तो आप पैदल जाएंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको लगेंगे यहाँ पर 10 मिनट्स, आपको 10 मिनट्स लगेंगे जब आप पैदल जाएंगे अपने फर्स्ट घर से कॉलेज की तरफ। अब बात यह आती है कि दोनों ही घर आपके इक्वल डिस्टेंस पर हैं कॉलेज से, कभी आप दूसरे वाले घर पर होते हैं यानी सेकेंड होम पर होते हैं तो वहाँ से पैदल आते हैं, तो वहाँ से भी आपको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है। तो ये तो रहा आपका इक्विलिब्रियम, ऐसे समझिए कि ये जो कॉलेज है वो है इक्विलिब्रियम। अब आपका ये जो यहाँ पर फर्स्ट होम है और यहाँ पर सेकंड होम है, जब आप फर्स्ट होम से आते हैं तो आपको 10 मिनट लग रही हैं, आप कैसे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। जब आप सेकेंड होम से आ रहे हैं तो भी आपको 10 मिनट लग रही हैं, आप कैसे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अब अगर आपको ऑटो मिल जाए, यानी आप अगर लेट हो रहे हो किसी दिन, अगर आप किसी दिन लेट हो रहे हैं, हो सकता है आप उस दिन फर्स्ट वाले घर पे हो या फिर हो सकता है आप उस दिन सेकंड वाले घर पे हो, लेकिन आप बहुत लेट हो चुके हैं, क्लास का टाइम हो चुका है, अब आपको बहुत जल्दी विद इन अ 5 मिनट कॉलेज पहुंचना है, लेकिन अभी आप अगर पैदल जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स लगेंगे और क्लास आपकी छूट जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे यहाँ पर ऑटो, मैं ये ऑटो बना रही हूँ, ठीक है, लो ये ऑटो बन गया और ये ऑटो इधर मुंह करके बनेगा। ठीक है, ये ऑटो बन गया इधर मुंह करके, क्योंकि इधर साइड आ रहे हैं ना आप घर से, तो ये ऑटो, मुझे नहीं पता आप कौन से वाले घर पे हैं, फर्स्ट वाले होम पर हैं या सेकंड वाले होम पर हैं, लेट सपोज कि आप फर्स्ट वाले घर पर हैं और फर्स्ट घर से अब आप क्या करेंगे, अब आपको मिल गया कैटलिस्ट, ये जो ऑटो है वो क्या है, कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है,
कि जब भी कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हो तो हम कैटलिस्ट को वहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्दी से रिएक्शन करवा के देखना है। तो वहाँ पर कैटलिस्ट क्या कर देगा, स्पीड को तेज़ कर देगा, स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा। अब वैसे ही आपके पास टाइम बहुत कम है, विद इन 5 मिनट्स आपको कॉलेज के अंदर एंट्री करनी है, वरना आपकी क्लास छूट जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप कैटलिस्ट को लेंगे। कैटलिस्ट क्या हो गया, जैसे बाइक है, साइकिल है, एक्टिवा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑटो ले लिया है, ठीक है। अब आप ऑटो से जा रहे हैं, अब आप 3 मिनट में पहुँच जाएंगे कॉलेज। अब आपको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 3 मिनट। अब आप किसी भी घर से हो, मुझे नहीं पता कि आप सेकंड वाले घर से आ रहे हो या फिर फर्स्ट वाले घर से आ रहे हो। अब कुल मिला के बात इतनी सी है कि पहले जब आप 10 मिनट्स में पहुंच रहे थे, और अब उसी जगह पर आप कितनी टाइम में पहुंच रहे हो, 3 मिनट्स में पहुंच रहे हो। तो जो कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो आपकी जो स्पीड है, जो आपका जो टाइम है, उसको बचा रहा है, यानी टाइम कम कर दिया उसने। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब आप लेट हो गए तो ये कॉलेज को उठा के यहाँ ले आया हो, या फिर जब आप सेकंड वाले घर पर हो, लेट हो गए तो ये जो कैटलिस्ट है वो बोले चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे कॉलेज को यही ले आते, एक काम करते कॉलेज को उठा के यहाँ ले आते। क्या ऐसा हुआ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है, वो सिर्फ उसको जल्दी से जल्दी पाने में हेल्प कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आप लेट हो रहे थे तो जो ऑटो है, ऑटो हमने यहाँ पढ़ लिया, तो ये ऑटो क्या कर सकता है, ये ऑटो सिर्फ आपको जल्दी से जल्दी कॉलेज तक पहुँचा सकता है। ऐसा नहीं कि आपके कॉलेज को उठा के आपके पास ले आएगा कि लो आप कॉलेज में बैठ के पढ़ लो आराम से, ऐसा नहीं होगा। तो फिफ्थ पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है, इट हेल्प्स ओनली टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली, यानी कि ये जल्दी से जल्दी आपको आपकी चीज़ को तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है, आपको आपकी कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये आपके इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता, यानी कि कॉलेज को शिफ्ट नहीं कर सकता। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट कीजिए, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यह है कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स की एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, और जो प्रोडक्ट रहता है उनके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, ठीक है। तो उसमें ये जो कैटलिस्ट है उसके आने से उनकी एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। उनकी जो एनर्जी है, यानी कि जो कैटलिस्ट है और जो प्रोडक्ट है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी दोनों वे में, या तो कैटलाइज्ड हो या अनकैटलाइज्ड हो, दोनों वे में क्या रहेगी, सेम रहेगी, कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड, उनकी जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगी। मतलब कैटलिस्ट के आ जाने से उनकी जो एनर्जी है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, यानी कि जो रिएक्टेंट के पास जो उनकी एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी, जो प्रोडक्ट के पास जो उनकी एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी। कैटलिस्ट आएगा वो किसी की एनर्जी से हाथ भी नहीं लगाएगा, उसका काम क्या है, सिर्फ वो जो उसकी स्पीड है उसमें धक्का मार देगा। मतलब कहने का मतलब यह, वैसे ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कैटलिस्ट है वो डिक्रीज भी करता है, ऐसा नहीं कि इंक्रीज ही करता है, लेकिन हाँ यूजुअली वो इंक्रीज ही करता है। तो वो जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा यहाँ पर, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, आप इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, फोर्थ आपको नंबर डालना है और वहाँ पर लिखना है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, यानी आपको लिखना है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, उसकी शुरुआत नहीं करता है। जो कैटलिस्ट होता है उसका काम किसी भी रिएक्शन को शुरू करने का बिल्कुल भी नहीं है, तो वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। इट ओनली एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सिर्फ जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एनहांस करता है। इट ओनली एनहांस द रेट ऑफ
रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, आपने इतना देखा कि कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, यानी कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन तो होते ही हैं केमिस्ट्री में, आप देखिए एक्सेप्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक्सेप्शन नहीं पता होता तो फिर हमको लगता है कि जैसे हमने कभी पढ़ा कि कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट, तो हम इसी बात पे रहेंगे कि कैटलिस्ट तो इनिशिएट करता ही नहीं है। एक्सेप्शन मिल जाएगा तो हमें क्या लगेगा कि हमने जो पहले पढ़ा शायद वो गलत है, शायद जो कैटलिस्ट है वो इनिशिएट कर देता है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन हमें एक्सेप्शन ही नहीं पता कि हाँ हर चीज़ में एक दो एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो H2 and O2 ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर H2 and O2 रिएक्ट नहीं करते हैं। तो फिर इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है कि अगर हम इस रिएक्शन में प्लेटिनम का वायर को ऐड कर देते हैं, यानी प्लेटिनम के वायर को अगर इस रिएक्शन में डाल देते हैं, तो ये जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएटली, यानी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये है, यहाँ पर आपको क्या नोट करना है कि जो H2 and O2 है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि अनचेंज्ड रहते हैं, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, यानी कि रिएक्शन होती ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो अगर हम इसमें प्लेटिनम के वायर का एडिशन करवा दें, यानी कि प्लेटिनम के वायर को डाल देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी एंड द रेट बिकम सो हाई दैट द मिक्सचर एक्सप्लोड्स, और इसकी जो रेट है वो हाई हो जाएगी और जो मिक्सचर है वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिख डालेंगे एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन पढ़ना ज़रूरी होता है। तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है, H2 and O2 एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, अनचेंज्ड रहेंगे। अब देखिए नोट क्या करना है आपको, इफ़ प्लेटिनम वायर इज एडेड टू द मिक्सचर, अगर इस मिक्सचर में प्लेटिनम वायर को ऐड करवाया जाता है तो ये रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन स्टार्ट इमीडिएटली, ये जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसमें क्या डाल देते हैं, अगर इसमें हम डाल देते हैं प्लेटिनम वायर को, तो ये रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी एंड द रेट बिकम सो हाई, इसकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, सो हाई, और उसके बाद क्या हो जाएगी, ये एक्सप्लोड हो जाएगी, द मिक्सचर एक्सप्लोड्स। देखिए समझ में आया, जो फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो क्या है, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करता है। एक्सेप्शन है यहाँ पर कि जब H2 and O2 रिएक्ट करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन उसमें अगर प्लेटिनम वायर को ऐड करा देते हैं उसके मिक्सचर में, तो जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लीजिए।